नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyayurved.com के आज के YouTube वीडियो में। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों डिस्कस करने से पहले जल्दी से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, आज का टॉपिक देख लेते हैं क्या है और इसमें आयुर्वेद का क्या योगदान है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे ताकत बढ़ाने के लिए अखरोट खाने का सही तरीका। तो आइए देख लेते हैं कि अखरोट कैसे खाया जाता है जिससे कि आपको उसका मैक्सिमम लाभ मिल सके। अगर आप ताकत बढ़ाने के लिए अखरोट का सेवन ऐसे ही कर लेते हैं और आपको भी ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो आइए आपको बता देते हैं कि अखरोट को सही तरीके से खाने का क्या तरीका है जिससे कि मर्दाना ताकत और वीर वृद्धि होकर शरीर कांतिमय हो जाएगा। 15 ग्राम अखरोट एक गिलास दूध में डालकर उबालना शुरू करें। उबालने के बाद पिसी हुई मिश्री मिला लें। ध्यान रहे कि चीनी जो आजकल बाजार में मिलती है वो नहीं डालनी है, मिश्री को ही पीस कर डालना है। अभी इसमें 3-4 केसर की पत्तियां डालें, इसको अच्छे से उबलने दें। अभी इस मिश्रण को सुहाता सुहाता गर्म गर्म पिएं और ये अत्यंत मर्दाना शक्ति वर्धक पेय है और अखरोट का एक ऐसा प्रयोग जिससे जवान तो जवान बूढ़े भी जवानी का अनुभव कर सकेंगे। इस तरह से है, 8 अखरोट की गिरियां लें, 4 बादाम की गिरियां, 10 मुनक्का बीज निकालकर ये तीनों एक साथ खाकर ऊपर से गर्म गर्म दूध मिश्री मिला हुआ पी लें। ये जवानों और बूढ़ों सबको अत्यंत शक्ति से भर देगा। और मर्दाना कमजोरी के लिए कोई भी प्रयोग कम से कम 40 दिन तक करना जरूरी होता है, नहीं तो इसके पूर्ण लाभ नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों ये आप करके देखें, बहुत इजी से प्रयोग है, आप ये करें और आपके जो भी फीडबैक्स हैं, कमेंट्स हैं, सजेशन हैं, वो हमारे साथ शेयर करें।